बता दें मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों पर उग्रवादी हमला हुआ है जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। कुल 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो सेना की यूनिट पर घात लगाकर उग्रवादी संगठन ने यह हमला किया है जिसमें सीओ, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हुई है। असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हुए हैं, कुल 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राजनाथ सिंह ने इस हमले की निंदा की है, कायराना हरकत बताई है। उग्रवादी संगठन ने घात लगाकर सेना के काफिले पर यह हमला किया। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, और क्या कुछ जानकारी इस हमले को लेकर? देखिए, हमले को लेकर जानकारी अब धीरे धीरे साफ हो रही है कि ये जब हमला हुआ उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर 46 असम राइफल अपने परिवार के साथ आ रहे थे कहीं से, और उस वक्त उनको जो है एम्बुश किया गया। 10 से 10:30 बजे के बीच की ये घटना है जिस वक्त ये एम्बुश हुआ, और पहली सूरत में ही जब एम्बुश हुआ उसमें उसी वक्त जो है 6 लोग, यानी कि सीओ, उनकी पत्नी, उनका बेटा और 3 जो क्यूआरटी के जवान थे वो लोग जो है ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। बाकी 4 लोग जो है गंभीर रूप से अभी भी घायल है और 1 और की डेथ हुई, यानी कि कुल मिला के 7 लोगों की जो है वहां पे मौत हुई, जिसमें कि 5 जो है असम राइफल से संबंधित है, बाकी 2 सीओ के परिवार वाले हैं, साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अभी पूरे इलाके में ऑपरेशन। ठीक है संदीप, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त मणिपुर के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस हमले को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि घात लगाकर सेना के 7 जवानों की मौत हुई है। देखिए, अभी वो म्यांमार का बॉर्डर में हुआ है, म्यांमार का बॉर्डर में हुआ है, तो इसमें कौन सा पार्टी ने किया है, टेररिस्ट ग्रुप कौन सा है जी? तो क्या सर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस संगठन ने ये हमला किया है? सर, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, जिनका साफ तौर पे कह रहा है कि अभी देखिए स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि किस संगठन ने यह घात लगाकर हमला किया है जिसमें 5 जवानों की मौत हुई है, कुल 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। संदीप भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनका भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संदीप, इस हमले के पीछे की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, और ये जो सेना का पूरा जो काफिला था वो कहां से कहां तक जा रहा था? देखिए, अभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं दी जा रही है कि मूवमेंट किस तरफ से थी, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो किसी पोस्ट विजिट के बाद से जो है वापस आ रहे थे, उस वक्त ये इस तरीके का हमला हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही, जो कुछ महीने पहले, न्यूज 18 इंडिया की टीम जो है मणिपुर गई, मिजोरम गई थी, मिजोरम में इन ऑफिसर से मुलाकात हुई थी हमारी, और ये ड्रग्स को लेकर जो है जिस तरीके से इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग उस पूरे इलाके में होती है उसको लेकर बहुत ज्यादा जो है आक्रामकता से जो है काम कर रहे थे। बहुत सारे जो है ड्रग पेडलर्स, ड्रग कंसाइनमेंट जो है इन्होंने अपने पूरे उसमें पकड़े थे, और उसके बाद मणिपुर में मिजोरम के बाद जो है उनका ट्रांसफर जो है वो हो गया। तो ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।